वेलकम यू ऑल। देख सकते हो यार, क्यूकम्बर ले रखा हूँ। जैसे मैं प्लेंट बेस्ड स्टफ्स को प्रमोट करता हूँ। क्यों करता हूँ? बहुत सारे रीजंस हैं। क्योंकि यार, प्लांट बेस्ड स्टफ्स आर इजी टू डाइजेस्ट, नेचर फ्रेंडली है यार। सबसे पहले तो नेचर फ्रेंडली है, नेचर को हार्म नहीं हो रहा है, फार्मिंग हो रही है यार, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। क्यूकम्बर, देयर वी गो। सबसे बेस्ट तो यही है कि इसका जो पिल है, इसको ऑफ नहीं करना है। उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। अब मैंने नहीं किया, ये मम्मी ने कर दिया है। क्योंकि यार, मैं तो बुक पढ़ता हूँ ना, मेरे को नॉलेज है, मम्मी को उतना नॉलेज नहीं है। तो मम्मी ने पिल ऑफ कर दिया है। तो तुम्हें पिल ऑफ नहीं करना है। समटाइम्स क्या होता है कि थोड़ा सा बीटर टेस्ट करता है, कुछ होते हैं, रेयर ही होते हैं, ऐसे तो नहीं करता है। इन केस ऑफ दैट यू कैन गो फॉर टू पिल ऑफ, राइट? लेकिन नॉर्मल कंडीशन में पिल ऑफ करना रेकमेंड नहीं। इसके जो स्किन होती है ना, अपर स्किन, जो पिल होती है, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। ना, मैंने जल्दी जल्दी चबा के खाना, क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज तुम्हें इतना नहीं है, रिलैक्स होके खाना है, रिलैक्स होके खाना है। इसका इम्पैक्ट बहुत होता है। जब तुम जल्दीबाजी में खाते हो तो तुम चीज़ों को, पहली बात तो इंजॉय नहीं करते हो। क्या डला हुआ है, नहीं डला हुआ है, तुम्हें पता ही नहीं चलता है। कैसे पता चलेगा यार? जैसे यार, ये बताओ, मैंने आराम से खाया, इसको फील किया, अच्छी तरह से च्यू किया, तो मेरा डाइजेशन अच्छा होगा। मैं जो क्यूकम्बर है, उसको फ्लेवर को ज़्यादा अच्छी तरह से इंजॉय कर पाऊँगा। एक ऐसा बंदा जिस जो गल्प कर रहा, सिर्फ खा रहा है ऐसे, ये कर रहा है, मुझसे तो गल्प भी नहीं हो रहा है। तो यार, जब लॉजिक है ना, कि जब हम खाने को पानी बनाते हैं, और पानी को हम खाने की तरह खाएंगे, दिस इज द बेस्ट। खाने को पानी बनाने का मतलब है, ऑलमोस्ट लिक्विड हो गया। इसको सॉल्व करना कितना आसान होगा ना। वैसे पानी को खाने की तरह खाना है। तुमने कभी डॉग को देखा है? डॉग एक एक सिप करके पीते हैं यार। इवन डॉग को भी पता है कि कैसे पानी पीना चाहिए। बताओ यार, एक ह्यूमन बीइंग और एनिमल में क्या है? एक ह्यूमन बीइंग को हमेशा गाइडेंस की जरूरत होती है, लेकिन एनिमल में क्या है कि जन्म दिया, 1-2 महीने, 6 महीने में ही खुद ही ऑलमोस्ट खुद सारा काम करने लग जाते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग को एटलीस्ट 15 साल, 12 साल तो एक बच्चे को, मतलब एकदम
अपने केयर में रखना ही होता है। उसके बाद भी उतना तुम, उसके बाद भी एक ह्यूमन बींग को हर एक टाइम गाइडेंस की जरूरत होती है। बहुत लोग तो 80 साल के हो जाते हैं उनके, लेकिन दिमाग 2 कौड़ी की होती है। तो 80 साल, 100 साल हो जाते हो, इसका थोड़ी मतलब है कि तुम्हारा दिमाग भी डेवलप हो गया। नहीं भाई, दिमाग डेवलप करने के लिए तो मेहनत करना पड़ता है ना। मेहनत मतलब कि यार क्या, अगर तुम यार कुछ लाइफ में ना भी करो तो एज तो बढ़ ही जाएगा ना। तो भाई तुमने लाइफ में कुछ किया नहीं, 2 कौड़ी का काम जिससे तुम्हें पैसे मिल जाते थे, बस उससे तुमने 80 साल हो गया। तो दैट इज़ नॉट फेयर, दैट इज़ नॉट फेयर एट ऑल, राइट? चलो यार, क्यूकम्बर थोड़ा सा बचा हुआ है। ओ या यह प्लेंट बेस्ड स्टफ, ये लिविंग फूड है, ये डेड नहीं है। जितने भी पैकेज प्रोडक्ट्स हैं उसमें ट्रांस फैट होता है यार, एंड दैट इज वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। दिस इज लिविंग फूड, यू नो, प्लेंट बेस्ड फूड है, ये मरा हुआ फूड नहीं है, जिंदा फूड है। तो पैकेज प्रोडक्ट्स यार, जैसे तुम कोई भी पैकेज हो रहे, वो कितने महीने पहले पैकेज हुआ होगा तुम्हारे शॉप में आते आते, कितना टाइम, मतलब उसमें क्या है कि इतना टाइम तक सेल्फ लाइफ उसकी बढ़ जाए। इसमें बहुत सारे केमिकल्स, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है, लाइक बिल्कुल निचोड़ लेते हैं, उसकी जो ओरिजिनलिटी होती है वो बिल्कुल रहती नहीं है। वो ओरिजिनल इंसान नहीं रहता, वो ट्रांसफॉर्म्ड रहता है, ठीक है? लेकिन ये लिविंग फूड है, ये एक प्लेंट बेस्ड लिविंग फूड है। और जो भी इंसान प्लेंट बेस्ड स्टफ खाते हैं उनमें हार्ट अटैक, डायबिटाइज, क्रॉनिक डिजीजेस कम होते हैं एज कंपेयर टू अ पर्सन हु इज ईटन एनिमल स्टोव्स अ लॉट। या माउथ की भी एक्सरसाइज हो जाते हैं, और यह बताने की जरूरत नहीं है, ये एक कूलिंग एजेंट है। तब वी ईट फॉर कूलनेस, यू नो, दिस इज नॉट हार्ट स्टफ, एक कूलिंग एजेंट है। तो तुम अपने स्लाइसेस करके आंखों पर भी रख सकते हैं, 15 मिनट के लिए रिलैक्स कर सकते हो, आंखों को भी रिलैक्स मिलता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा यार, गो फॉर इट। इफ एनीथिंग हैज सो मैनी बेनिफिट्स, देन व्हाई नॉट टू ईट इट, व्हाई नॉट? वेरी नाइस। तो यार क्यूकम्बर खाओ, फार्मर्स को भी काम मिलेगा, ना बॉडी भी सही रहेगा, एनिमल्स को भी प्रोटेक्शन मिलेगा। क्योंकि जब तुम डिमांड करते हो यार एनिमल्स का, तभी एनिमल्स स्लॉटर्स में एनिमल्स पहुंचते हैं और उनका स्लॉटर किया जाता है। और यार इट्स लाइक, अगर मैं तुम्हें बोला यार मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम बोले गेट लॉस्ट, तुम या तो तुम किसी एनिमल को उसके बिना कौन से, मतलब इट्स लाइक रेप क्या होता है, किसी के कॉन्सेंट के बिना उसके साथ तुम कर रहे हो। तो यार एक इंसान को तुम मार दे रहे हो विदाउट हिज और हर कॉन्सेंट, एक एनिमल को तुम स्लॉटर कर रहे हो, वेरी बैड। एंड इसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे बहुत बड़ा होता है। मोस्टली जो लैंड में कल्टिवेशन होता है वो एनिमल्स के लिए ही होता है यार। एनिमल्स को मास जो ग्रोथ होती है
उसमें उसके लिए उसको बहुत खिलाया जाता है। अगर जो एनिमल के लिए कल्टीवेशन होता है वो अगर हटा दे, अगर उस पे सिर्फ वो एनिमल के लिए ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए, तो हमारे पास सरप्लस बहुत ज़्यादा फूड होगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो, लाइक करो। दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस रेडियो। हैव अ ग्रेट डे।